फरीदाबाद में सिखों के एक कार्यक्रम में बिना सिर ढके मुख्यमंत्री के जाने पर हुए विवाद को लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी मुख्यमंत्री के समर्थन में आई है। उन्होंने कहा कि जो गुरु के चरणों में आ गया वो गुरु का हुआ, इसलिए इस मामले में लोग सियासत न करें और विवाद को खत्म करें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो कार्यक्रम गुरुद्वारे के अंदर नहीं था, इसलिए ऐसा विवाद करना गलत है। ऐसा ये प्रोग्राम किसी गुरुद्वारे के अंदर नहीं था। बहुत से लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम को एक गुरुद्वारे के अंदर समझ रहे हैं, जहां की गुरुद्वारे की मर्यादा हर आदमी जानता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। आज की डेट में सिख मर्यादा गुरुद्वारों में सिर ढककर जाना, ये पूरी दुनिया में किसी को शंका नहीं है। ये प्रोग्राम गुरुद्वारे के बाहर था। फिर भी एक बात है, शरण आए गले लगाए, कंठ लगाए। जो आदमी गुरु की शरण में आ गया, वो चाहे हम में से कोई भी हो, हमें उसमें किंतु परंतु ना करके उसको गले लगाना चाहिए। भूल हम में से किसी से भी हो सकती है, मगर उस भूल का इतना बड़ा जो प्रोपेगंडा है वो नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो आदमी गुरु की शरण में आ गया, गुरु के चरणों में आ गया, उसकी ज्यादा बात नहीं करना। HSGPC के जनरल सेक्रेटरी सुखविंदर सिंह ने आज रोहतक में प्रेस वार्ता की और कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेटी को चार्ज मिल चुका है, ऐसे में गुरुद्वारे को उभारने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मान योग सुप्रीम कोर्ट के 20 सितंबर 2022 के आदेश के बाद 2014 में पारित हुआ हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट है वो 2022 में लागू हो गया है। इसकी आप सभी को बधाई और खुशी हो। इसके बावजूद भी शिरोमणि कमेटी ने उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली थी, जो कि 1 फरवरी 2023 में वो भी निरस्त होकर डिसमिस कर दी गई है। अब ये जो है हरियाणा के सिख जो हैं वो बड़े मान से अपनी गुरुद्वारे की सेवा संभाल कर सकते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक एडहॉक कमेटी हरियाणा सरकार को बनानी थी, जो हरियाणा सरकार ने बना दी है। उस कमेटी के जो है इलेक्शन इंटरनल करके उसके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी 11 मेंबरी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी तैयार है। और शब्द गुरु के ज्ञान के लिए गुरुमुखी और पंजाबी का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी गुरुद्वारों में पंजाबी की क्लासेज जहाँ जहाँ भी हमें बच्चे मिलेंगे वो शुरू की जाएंगी, ताकि कोई भी, जैसे महाराजा रणजीत सिंह के समय में कैदा नूर था, वो कैदा नूर अब भी एक तैयार करवा लिया गया दोबारा, वो हरियाणा पंजाबी सिद्ध अकेडमी ने वो कैदा तैयार किया है, जो गुरुमुखी शाहमुखी हिंदी और इंग्लिश चार भाषाओं की उसमें जानकारी है। कि जहाँ भी इलेक्शन होता है वहाँ इलेक्शन की वजह से कुछ खटास भी आ जाती है, तो एक सिख पंचायत का गठन भी किया जा रहा है, ताकि जो सिखों के मसले हैं, जो कि आंतरिक मसले हैं, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों की शादी गुरुद्वारे में करते हैं और गुरु ग्रंथ साहब को हाजर नाजर मान के, उनको एक सुप्रीम पावर मान के उनकी हाजिरी में शादी करते हैं, लेकिन अगर बच्चों में किसी कारण से भी मन मुटाव आ जाए तो बच्चे थाने और कचहरियों में खड़े होते हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि मेरे सिखों में भाईचारे में आपस में आ जाते हैं, तो वो सभी मसले जो है गुरुद्वारों में बैठ के अपना शांति से किए जाएं, उसके लिए एक सिख भाईचारा पंचायत का। सुखविंदर सिंह ने कहा कि गुरुद्वारों में अब पंजाबी भाषा भी सिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय की एक कमेटी बनाई जाएगी जो सिखों में आपसी विवाद का निपटारा करेगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।